हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है माता रानी के सामने से, भगवान इष्ट देवता के सामने से, और पूजा कर दी है, नहा धो के पूजा पाठ सब कर दिया है, काम सब कुछ हो गया है, और मैंने ना ब्रेकफास्ट भी कर लिया, और अब बना रही हूँ मैं ब्लॉग। पूजा करने के बाद ब्रेकफास्ट कर लिया था। और वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल, सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में गाइस। इसी तरह प्यार दिखाते रहिए, आपका ये आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे तो मेरे जल्दी ही चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो मैं आपका सभी का धन्यवाद करती हूँ, जो लोग मेरे वीडियो देखते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू उनका। और ये जो मेरी यहाँ पर इचिंग हो रही थी, यहाँ पर हो रहा था, यहाँ पर हो रहा था, ये ना फैल रहा था कुछ एलर्जी टाइप की, कल मैंने डॉक्टर को दिखा दिया है, स्किन वाले डॉक्टर को दिखा दिया है, और मैं दवाई लाई, देखो एकदम से ये चीज़ ना अच्छा ठीक हो गया। कल रात ही दवाई लगाई और आज ठीक हो गया, और ये देखो ये भी बिल्कुल ठीक हो गया एक रात में ही दवाई का, ये बताओ हद हो गई ना, क्या चीज़ है दवाई ना, एकदम से बिल्कुल ठीक हो गया। और मेरी मम्मी जो है चली गई है गांव, उनके बिना सुना सुना लग रहा है। चंगू मंगू भी नहीं आ रहे हैं, चंगू तो गांव चले गया, मंगू अभी स्कूल खुल गया उसका, और आज तो छुट्टी है उसके पापा की, तो क्या पता आए, चंगू तो चला गया गाँव मम्मी के बिना, बहुत सुना सुना लग रहा है। मेरी मम्मी बेचारी यहाँ रहती थी, यहाँ पर उनका बैग रहता था इस टेबल में, ये कपड़े रखे मैंने तेल लगा के संभालने के लिए, और मंदिर में एकदम पूजा पाठ मेरी मम्मी चकाचक कर रहती थी, भोग भी लगाती थी मेरी मम्मी डेली का, फल फ्रूट का बहुत अच्छा मतलब सजा के रखती थी। अब 2 दिन हो गए मेरी मम्मी को गए हुए, आज 2 दिन, हाँ 2 दिन हो, 3 तीसरा दिन है आज, परसों रात को गई थी वो, तो बहुत बुरा लग रहा उनके बिना। कोई बात नहीं, अब हम जा रहे हैं, फिर अब मैं भी जा रही हूँ उत्तराखंड द्वाराहाट, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे द्वाराहाट की। सालदे आप जानते ही होंगे, सालदे का मेला होता है, सालदे बिखोती बोलते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं द्वाराहाट की सालदे बिखोती जो है फेमस है, तो मैं भी जा रही हूँ, बिखोती के दिन ही पहुँचेंगे हम लोग, खूब इंजॉय करेंगे, मस्त मस्त ब्लॉग आपके पास आने वाले हैं। तो मेरे ब्लॉग आप जो ब्लॉग है मेरे मिस मत करना, आप कंटिन्यू बने रहना, तभी आप परिचित हो पाओगे द्वाराहाट के कल्चर से, उत्तराखंड के कल्चर से, उत्तराखंड का कल्चर आपको देखने को मिलेगा, क्या क्या होता है मतलब सालदे के मेले में। सालदे होती है बिखोती, पहला बिखोती होती है, 13 तारीख को बिखोती है, 14 को बर पूजा है, पूरा गांव में बहुत बड़ा फंक्शन होता है, पूरा गांव में खाना पीना एक साथ होता है, बहुत अच्छा मतलब मैं क्या बताऊँ, झोड़ा डांडिया उसको बोलते हैं, डंगबाजी हमारे हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं, डंगबाजी डांडिया बोलते हैं हिंदी में, और झोड़ा करते हैं, और सरंकार, सरंकारबाजी तो तलवार से करते हैं, वो सब होता है, वो बहुत ही अच्छा मतलब वो इतना अच्छा होता है, मैं कुछ कह नहीं सकती, मुंह से बयान नहीं कर सकती मतलब, इतना अच्छा मतलब वो उत्तराखंडी कल्चर जो है बहुत अच्छा होता है, आपको सब कुछ देखने को मिलेगा घर बैठे। तो आप बने रहे मेरे ब्लॉग में, मेरे ब्लॉग मिस मत करना, रिक्वेस्ट है मेरी, ये नहीं करते हैं वैसे आप भी, बहुत सारे लोग मेरे जो डेली व्यूवर्स हैं वो बेचारे बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे, थैंक यू सो मच, नाम लेके हो जाता है, फिर पास लेटी हो जाती हूँ नाम लेके, नाम क्या लेना है मेरे, जो भी है जिनके कमेंट में पढ़ती हूँ मैं, देखती हूँ तो उस टाइम बहुत अच्छा लगता है, तो धन्यवाद है उन सभी का, बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल में। बंद कर लो मेरे दरवाज़ा ना, खुल जाता है धीरे धीरे अपने आप, मेरे को बहुत दिन हो गए मैं बबीता के वहाँ गई नहीं हूँ, आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग में, तो मैं जा रही हूँ बबीता के वहाँ, आपको भी मिलाती हूँ। सोना, ओ सोना, सोना जा रही है ट्यूशन, सोना तो बहुत ही अच्छी इंटेलिजेंट गर्ल है ना, कौन सी क्लास में गई सोना? थर्ड। कितनी छोटी सी बच्ची और थर्ड क्लास में पढ़ती है, इसकी मम्मी खुद ही इसकी मम्मी 12th क्लास में पढ़ रही है और ये थर्ड में चली गई, बताओ, मम्मी अभी 12th क्लास में पढ़ रही है। कैसा हो रहा तुम्हारा बगीचा? वाह भाई, फूल खिले हैं बड़े अच्छे यार, एक फूल तो मैं उस दिन ले गई थी, एक ही फूल, हाँ मैं तो उसे एक ही ले गई थी मम्मी के लिए, वो चढ़ाने के लिए, बड़ा अच्छा हो रहा है। कितनी चटक धूप लगी है, बाप रे, और कल इतनी बारिश, रात को कब हुई बारिश यार, पता नहीं चला ना। मैं गई बबीता के वहाँ, वहाँ आ गए एसी सर्विस वाले, तो उनकी एसी सर्विस जैसे मैं बैठी थी ऐसे बेटे का फोन आ गया, नाश्ता बनाओ, अब मैं लाई ऊपर से आलू उबले हुए और बनाऊंगी फटाफट पराठे, आलू के पराठे लग गए आज, आलू के बनाएंगे पराठे, ये आ गया देखने मेरे को क्या कर रही है ये। तो आज मीना दीदी बहुत दिन के बाद आई हैं मुझसे मिलने, और आप सब एवरीवन हेलो हाय कर रही है
और मीना दीदी आज टाइम पास करने आई है जरा सी मेरा, मैं अकेले मेरा भी थी टाइम पास हो और रहा है। दीदी भी अकेले थी, तो हमने कहा चलो थोड़ी देर टाइम पास करेंगे। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बहुत दिनों बैठ से मिले नहीं थे के, और ना। थैंक यू सो मच आपका वेलकम मुझसे वेलकम। मिलने आए। मैं तो बहुत दिन से बिजी थी दीदी, मेरी वीडियो देख रही थी, ब्लॉग देख रही थी, तो फिर तब आई दीदी आज। बहुत दिन से मम्मी को मिलने आई थी वैसे मेरे ना। हाँ मम्मी को मैंने हाँ सोचा मम्मी होगी तो मैं मिल के हाँ आ मेरी जाऊंगी, मम्मी को लेकिन मिलने आ मम्मी रही थी, चली गई है। मम्मी मेरी चली गई, दीदी को पता नहीं था, तो हाँ अच्छा हुआ और मुझे ये लोग मिलने आ कीर्तन गई। में व्यस्त थे तो हाँ मैं इसलिए भी नहीं आई बीच में। हाँ दीदी के ससुर जी की डेथ हुई थी, तो इसलिए हाँ दीदी इसलिए आती मैं नहीं आई भी है। नहीं, कीर्तन में भी नहीं आई हाँ तो इसलिए। इसलिए तो मैंने सोचा सबको दिखा देती हूँ। दीदी हमारे छत में छा रखे थे ना हम लोग, ऊपर नींबू खा के सब मस्ती करके, वही वाली मीना दीदी है ये। और आ जाती हूँ मिलने के हाँ लिए तो। मिलने के लिए हम चले जाते हैं एक दूसरे के घर मिलने के लिए, अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। और चाय भी नहीं पी रही है, पानी भी नहीं पी रही है, कुछ भी नहीं खा और रही है। फल फ्रूट्स खा लिए हाँ मैंने, बस ये रहे थोड़ी अंगूर सी। खा हाँ लिए और पपीता खा लिया है। हाँ फल से बढ़ करके है स्वास्थ्य और के लिए। बस प्यार है हमारा इसलिए है ना ये। बहुत बहुत धन्यवाद है मुझे इतना प्यार देने के लिए। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। हम जा रहे हैं नंदा देवी में सुंदरकांड के लिए। आज हमारी मंदिर में नंदा देवी में सुंदरकांड है, हम दो जा रहे हैं, A3 के दो हैं हम। पानी रख रहा अब 10 मिनट चले नहीं, गला सूख गया बाल बताओ। अरे अब दिखाती हूँ आपको सुंदरकांड हो रहा है मंदिर में, पहुँच के दिखाती हूँ। आज बहुत कम लोग आए थे क्योंकि ना और भी कहीं बता रहे हैं कि आज माता की चौकी है, क्योंकि आज ना वो है पता नहीं कोई जयंती है, महावीर जयंती है आज, तो इस उपलक्ष्य में और भी कहीं प्रोग्राम था, तो आज बहुत कम लोग आए हैं। और सुंदरकांड हो चुका है, मैं सुंदरकांड पढ़ते हुए ना नहीं होता है कि वीडियो बनाने का, मैं नहीं दिखा पाई हूँ इसके लिए सॉरी। और ये है यहाँ मंदिर का बाहर का दृश्य, वो मेरे को बुला रही है, चलना चलना बल्ब। बाबरी यहाँ कतु कीचड़ हो रहे हो, कतु कीचड़ हो रहे भैया, ये पानी कहाँ से आता है यार यहाँ? बारिश नहीं हुई तुम्हें? नहीं मैं हमेशा देख जब भी आती हूँ हमेशा पानी देखती हूँ। बारिश का है तो पानी यही यहाँ पे क्यों जमा होता फिर? यहाँ नीचे है ना। अच्छा आ जाओ क्यों लगे आनी। ये आ रहे हैं हमारे सारे भक्तगण जो कि सुंदरकांड पढ़ के आ रहे हैं, सब थक गए हैं, चल भी नहीं पा रहे, कितने धीरे धीरे आ रहे हैं, जैसे कि पैरों में मेहंदी लगी होगी। सब जय माता दी, जय सिया राम, ये सब ब्लॉग में कैप्चर हो गए हैं। बस बबीता बोलेगी मेरा मतलब, जैसे बबीता को कोई जानता ही नहीं है। हम आए सुंदरकांड पढ़ के, फिर हमने पी चाय, ये बबीता चाय नहीं पीती है। मेरा है यार, कल दिखा के लाई हूँ चेहरे के लिए अपने, बहुत दिन से परेशान थी मैं। तो ब्लॉग की एंडिंग का समय हो चुका है, 7 शाम के बज गए 7:15, ब्लॉग की एंडिंग कर देती हूँ। बाय, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय।